शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। तुम्हारे जैसी स्वार्थी और खुदगर्ज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रुक में रसाल से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम? ये तुम्हारा प्यार? अपने पाप को सलामत रखने के लिए अपनी छोटी बहन के होने वाले बच्चे के सर से आशीर्वाद छीन लेना चाहती हो? ठाकुर साहब, मैंने तो रसाल बस अब। अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना बाकी है? हद होती है, भोले बनकर दिखावा करती रहती हूँ यहाँ पर। अरे रसाल तो तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम तो उसे मना कर सकती थी ना कि अपने हाथ से ताबीज निकाल कर तुम्हें ना पहनाए? मना क्यों नहीं किया तुमने? ठाकुर साहब, किसने कहा आपसे कि मैंने अपना ताबीज उतार कर जीजी ने पहना ली? किसी के कहने की क्या जरूरत है? थारी करतूत हम सबके सामने। झूठ बोल सके पर मारे से ना। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। रसाल, यही तो वो तावीज है जो मैंने अपने हाथों से तने पहनाया था। तारी साहब, आपने मारे को सिर्फ तावीज ही ना पहनाया हुआ है, अपनों आशीर्वाद पे दियो है। आपके आशीर्वाद को मैं इस तरह अपमान कैसे कर सकूं? जिसे आपने मारे को अपने हाथों से पहनाया। दादी साहब, मैंने इसे अपने से अलग ना किया है और ना ही कभी करूंगी। दादी साहब, आपके जाने के बाद मैं मंदिर में गई थी और माँ के चरणों से फूल लेकर मैंने उनके आशीर्वाद से चीजी वास्ते एक और ताबीज बनाया। चीजी भी माँ बनने वाली है तो मैंने सोचो कि उनके होने वाले बच्चे को भी माँ को आशीष मिलना चाहिए। बस इस वास्ते मैंने ताबीज बनाकर चीजी को पहना दी। मने माफ कर दे रसाल, पल भर वास्ते मैंने तने गलत समझो, पर तने जो कियो है वो बिल्कुल गलत ना है। संभल गई रसाल, पर ताई साहब चुप ना बैठेंगे। और अगर किसी को ये बात पता चल गई तो कड़वा अनर्थ हो जाएगा। हमारे कारण थारी गृहस्थी में कलेश हो ये मन ने मंजूर ना है।
क्यों चिंता करूं? चीजें हम जो भी कर रहे हैं ना, इस बच्चे वास्ते कर रहे हैं। और जब हमने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने को फैसला कर ही लियो है, तो बिना डरे आने वाली हर मुश्किल को सामना करना ही होगा। जीजी, भगवान खुद हमारे साथ है, तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत ना है। मैं जानू रास्तों कठिन है, पर हम इसे पार कर ही लेंगे। इस मारी तरह आप भी विश्वास रखो। रुक्मी पर गुस्सा होते हुए मैं भूल ही गया कि ऐसा करते हुए अनजाने में एक पल के लिए मैं रसाल पर शक कर रहा हूँ। I was wrong। रसाल ने जो भी किया ठीक ही किया। सॉरी रसल। ठाकुर साहब जी, आपकी जगह मैं होती तो शायद हरे को भी गुस्सा आता। क्या बात है, बड़ी समझदार हो गई है मेरे होने वाले बच्चे की माँ। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब, वो देख रहे हो है? कौन? ओ, अरे इससे पहले तुम पर मेरा अधिकार है। ओके ठाकुर साहब। अरे क्या कर रही हो? आपके वास्ते कपड़े निकाल रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे। क्यों? बस ऐसे ही, आज कपड़े बदलने का मूड नहीं। आप भी ना ठाकुर साहब। अरे क्या सत्यानाश, सारे सरप्राइज का कपड़ा कर दिया। ये क्या है? वो हाँ, सरप्राइज देने की सोची थी, पर अब भी मैंने देखा ना इसके अंदर के। ऐसे नहीं, पहले अंदाजा लगाओ कि इसके अंदर क्या हो सकता है, फिर खोलने की इजाजत मिलेगी। लो, मारे को बताना होगा। हाँ हाँ, अंदाजा लगाओ, कुछ भी बताओ। बताओ ना ठाकुर साहब, क्या है? हार गई। नहीं देखी। अरे अरे सबर नहीं है। चाहता था कि ये हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहे, ताकि हमारे आंगन में भी बिल्कुल इनकी तरह बहुत जल्दी एक बालखाना खेले। आप आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं, और मैं आपसे ही सच को छुपा रही हूं। हरे को माफ कर देना ठाकुर साहब। दूसरी बार रसाल ने मासा को मात दे दी। जो रसाल के मां बनने का नाटक भी है, तभी भी मरने रुक्मी के बच्चे से घनो खतरो है। मारा वारिस तो आवेगा ना, और रुक्मी के पेट में रणवीर को वारिस। ये बात किसी को पता चलने से पहले मारे को रुक्मी का बंदोबस्त करना ही होगा।
बहन का सारा लेके तू अठिया गई। क्या सोचा था तूने? शायद तू भूल गई है थारी ये पाप की असलियत है ना। तो सिर्फ मैं जानता हूं। वो चिप जिसमें थारी और रणवीर की उस रात की दास्तान कैद है वह मेरे पास अभी भी संभाल के रखा है। उसे संभाल कर रखा है। ना कोस, मैं अपने हाथ जोड़ू। अब इस तरह हाथ जोड़ने से क्या फायदा? दोबारा अठियाने से पहले एक बार सोच लिया होता तो। और थारे को इस गलती को हरजानो पटनो पड़ोगे, वरना मैं जाके थारी प्यारी बहन रसाल ने खुदशिप दिखा दूंगा। और फिर आप के चाहो कोर्स? मैं के चाहूं? के चाहूं बस थारे पेट में जो पाप है ना उसे गिरा दे, उसे गिरा दे। ना कुआस, मैं ऐसा ना कर सकूं। तो ठीक है, तू अपनी ये गठरी बांध के रख दे, क्योंकि मैं थारी प्यारी बहन रसाल के पास आ रहा हूं। वही बहन जो थारे को अठे रखने वास्ते पूरे परिवार से लड़ रही है। जब वो ये चिप देखेगी ना तो खुद थारे को अट्ठे से बाहर निकाल देगी। थारे को सामान बांटने का समय भी ना मिलेगा। समझ गया? जा रहे हो? भाई साहब, अरे छोटे ये रुक्मी मार से बहस कर रही थी। तो इस वास्ते आप हमारी जीजे के साथ जानवर जैसा बर्ताव करेंगे और वो भी लड़की इस हालत में? भाई साहब, मैंने माना कि गलती रुक्मी की ही होगी, लेकिन फिर भी एक प्रेग्नेंट औरत के साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। इसलिए प्लीज भाई साहब, आगे से अपने गुस्से और शराब पर काबू रखिएगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? अपनी बीवी के पल्लू में छुप कर तू सिर्फ नाम का ही ठाकुर रह गया भाई साहब। सच चुभे छोटे, मरने सीख देने से पहले एक बार अपने आप को देख ले कि तड़ने के किया है। अपनी इस बीनी की बातों में आकर तो इस बच्चेलन रुक्मी को वापस हवेली मिला है। हवेली की सारी मान मर्यादा भूल गया तू, घर तुम्हारे को सीख सिखा। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? इस रुक्मी वास्ते तुम्हारे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आज तुम्हें इस रुक्मी को हवेली से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जीजी, यो तो नशे में सारे खेल खराब कर देगा। इसे हवेली से बाहर ना निकाला तो मारा नाम कुआ दीप सिंह ना है। दीप, चुप कर। क्या नाप चना पकड़े हुए? हाँ, चल अपने कमरे में चल। मां साहब जाओ, इस रूप में कट्ठे से बगैर घर में अट्ठे से कट्ठे ना जाऊंगा। भांजे, तारी भाषा ठीक कर रही है, चल कमरे में चल। माओ साहब, प्लीज ना, जाओ ना। अरे भांजे, समझने की कोशिश कर,
रुक्मी अठे दादीसा के हुक्म से रह रही है, तुम्हें फालतू में रणवीर को भलीपुरी सुना रहा है। चल दादीसा का हुक्म मान के चल, चल कमरे में चल। अंदर जाओ, चल। रणवीर बेटा, अपने भाई साहब को माफ कर देना। वो नशे में, उसे तो पता भी ना है कि वो के बोल रहा है। आजकल घड़ो परेशान रहे दीप। अपनी परेशानी दूर करने वास्ते हरी चीची को इस हालत में ढकेल दियो, पूरो भलो गयो। दीप की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगू। तारे को कुछ हुआ तो ना, तो ठीक तो है ना बिंदली? इसे लेकर कमरे में जा और तू भी अपने कमरे में जा, तू भी आराम कर। ऐसे समय में मन पे बोझ डालना ठीक ना है। जा। चलो जी जी। रणवीर जा बेटा, तू भी आराम कर, बहुत रात हो गई। जी थैंक सर। हवेली से निकाल कर बोलो क्या? इसके सर पे ठंडा पानी डाल ताकि इसका नशा उतरे। अरे मासा मैं तो चुप, एकदम चुप। एक बात ना सुनिए हमारे को, थारे ये जरूरत थी बाहर इतना बड़ा हंगामा करने की, रणवीर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की? कल अगर रसाल या रुक्मी दोनों में से भी किसी को कुछ हुआ तो सबसे पहले उंगली थारे ऊपर उठेगी। इतनी भी अक्कल ना है थारे में? के तय कियो तो हमने कि रसाल के मां बनने का झूठा नाटक हम सबके सामने लाएंगे तो रुक्मी अपने आप रसाल के साथ इस हवेली से बाहर निकाल दी जाएगी। आजा के रसाल रसाल कर रहा, के रसाल रसाल कर रहा। अगर रसाल की सच्चाई सबके समय आ भी जाएगी तो कोई फायदा ना होगा, कोई फायदा ना होगा मासा, क्योंकि क्योंकि रुक्मी के पेट में जी जी वो रुक्मी के पेट में यश को पाप पल रहे हो है ना, इसलिए उससे कोई खतरो नहीं है ना मासा। रुक्मी के पेट में बड़बड़ कर रहे हो भाणजे, चुप हो जा बाण। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा मामासा। मासा सच्चाई ये रुक्मी और उसका होने वाला बच्चा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हवेली का हिस्सेदार रुक्मी का बच्चा इस हवेली की जायदाद का हिस्सेदार? अरे जीजी नशे में बड़बड़ करने वाले की चिंता नहीं करनी चाहिए। मारे को समझाने की कोशिश मत कर, मैं अच्छी तरह से जानू हूँ कि नशे में इंसान सच बोलता है। हाँ बस मैं सच बोल रहा हूँ, सच्चाई सिर्फ मरने पता है। और सच्चाई ये है कि रुक्मी के पेट में यश का ना रणवीर का अंश पल रही है, पल रही है, पल रही है। इस हवेली का वारिस, असली वारिस, असली वारिस।